तो तुम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा मैं कूद जाऊंगा तो? नहीं जा कूद जा, वैसे कूद ही जाएगा। जा जा कूद जा। Hello everyone, what's up? My name is Adro Flow and welcome to my channel. So guys, फिर से एक और बार झोला उठा के हम निकल पड़े हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। तो आज हम निकल रहे हैं पंचगनी के लिए। So guys, अभी टाइम क्या हो रहा है? 5:45। हमारा निकलने का टाइम क्या था, मतलब कितने बजे निकलना था? 4 बजे। तो गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट अभी 2 घंटा लेट हो चुके हैं, पर इसके देखो अभी तैयारी खत्म ही नहीं होती। अरे हाँ, वाह। So guys, चलते हैं अभी, मैं आपको बाकी का सब नीचे समझाता हूँ। घर की चाबी ले। So guys, कल एक सीन हो गया हम लोग के साथ। हम लोग की गाड़ी यहाँ खड़ी थी, मेरी भी एकॉर्ड, इसकी ब्रेजा, और वहाँ नीचे पूरा गाड़ी का मतलब रोड का काम चालू कर दिया। हमारी दोनों भी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती है। तो आज हम लेके जाने वाले थे ब्रेजा, बट ब्रेजा भी यहाँ पे लॉक हो चुकी है बिल्डिंग में, एकॉर्ड भी लॉक हो चुकी है। तो आज हम लेके जा रहे ऋषि की डोरेमोन। ओह माय गॉड, पहली बार डोरेमोन था ना? हां, डोरेमोन डोरेमोन, ऋषि की डोरेमोन लेके जा रहे हैं। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग लॉन्ग विशाल पीछे मुंडी घुमा। मुंडी आर यू रेडी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव? यस, आई एम रेडी। मैं अपना व्लॉग शूट करके ऊपर से फटाफट से ऊपर या क्या है? अरे चल यहीं से देख लिया लोगों ने, यहीं से स्टार्ट कर ले। मैं वो कार का दिखा दूंगा ना, फट से आ जाऊंगा बेटा। सो टाइम इज 6:23 इन द मॉर्निंग, और हम लोग लेट तो हो गए, बट नो वरीज, आराम से चले आएंगे। मैंने हाफ आवर का नैप भी ले लिया। बाकी वी आर गोइंग टू पंचगनी, वो यहाँ से मुंबई से है 170-180 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स, और देखते हैं वहाँ जाके सीन क्या है, ठंडी रहेगी कि नहीं रहेगी। एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ी बहुत ठंड रहे वहाँ पे, क्योंकि हिल स्टेशन है। सो गाइस, अभी विशाल गया है थोड़ा सामान वामान लेने के लिए, हेलो सब हम लोग रास्ते में पीने वीने के लिए। तो निकलते हैं और आपको अभी मैं सीधा मिलता हूँ रास्ते में। क्या बोलते ऋषि? सो गाइस, खुशी नहीं समा पा रही है क्योंकि हम पहुँच गए हैं द पंचगनी। और स्टार्टिंग में जब हम लोग पहुँच रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कहाँ आ गए यार, क्योंकि गाँव वाँव लग रहा था। बट फिर से हम एक घाट चढ़ रहे हैं और क्या ही व्यू है। चलो गाइस, सो अभी ना कहीं रुक के अच्छे से ड्रोन उड़ाने की ट्राई करते हैं, आपको व्यू दिखाने की ट्राई करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, वी फाइनली रीच्ड पंचगनी एंड वी आर स्टेइंग हियर। और गाइस भाई, यहाँ का व्यू देख लो यार, बस इतना प्लेजेंट वेदर है, ठंडा है थोड़ा, और भाई व्यू आपको अगर दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट मज़ा आ गई भाई। डिफरेंट था, इतना लंबा है, बट वर्थ इट। गोली मार रहे क्या? क्या मार? भाई ऋषि भाई भाई भाई, भाई आ गए यार, क्रेजी जो है तो उड़ा देगा भाई। अभी अपने को टेस्ट कराना है। अरे फक यार, कोविड टेस्ट? हाँ पूरा। अरे बाय बाय बाय, बस हो गया ना। शायद बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ऐसा क्या? सो गाइस, करंटली वी आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल, तो ये नॉर्मल होटल रूम या विला वे सब जैसा वाइब नहीं है। यहाँ पे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, यहाँ पे टाइम टू टाइम सब खाना पीना वो सब करना पड़ता है, क्योंकि ये सब कॉमन है यहाँ पे। बट हम लोग ने यहाँ पे एक रूम लिया है जो कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही कोजी है, बहुत ही मस्त है, बहुत ही कोजी है, बहुत ही मस्त है। यस, सो भाई रूम का साइज़ देखो और ऋषि का साइज़ देखो, तो इधर फिट हो जाएगा। मैं हाँ ट्राई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने से बैठते 3 लोग तो नहीं आएंगे। दूसरा रूम कब आना है? दूसरा रूम नहीं है ना, पैसा वसूल वाली चीज़ है यहाँ का व्यू। ओ भाई भाई भाई, ये देखो गाइस, जैसा कंटेनर है हम लोग भी ऐसे। सो गाइस, ये कंटेनर्स में हम लोग रह रहे हैं, अलग ही वाइब है यहाँ का, और व्यू तो भाई माशाल्लाह मज़ा आएगी। 2 दिन यहाँ पे स्टे हम लोग का। सो गाइज, अभी हम लोग इतना ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचे हैं, तो अभी मैं फट से थोड़ा फ्रेश होता हूँ, नहा धोता हूँ। हम लोग इतने दिन से ट्रैवल ही कर रहे हैं, तो ट्रैवल करने की वजह से, धूल मिट्टी से, गाड़ी में इतना ट्रैवल करने की वजह से बालों की हालत देखो गाइज क्या हो गई है, देख रहे हो?
तो अभी इसको थोड़ा सुधारते हैं. सो गाइस, टू टेक केयर ऑफ माय हेयर, आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस अमेजिंग रेंज बाय वाओ स्किन साइंस. दिस इज मैंगो पल्प रेंज. वी हैव मैंगो पल्प शैम्पू, कंडीशनर एंड अ हेयर मास्क. सो गाइस, द फर्स्ट स्टेप इज टू यूज मैंगो पल्प शैम्पू. और गाइस, ट्रस्ट मी, ये शैम्पू आपके जो ड्राई स्कैल्प है और जो ब्रिटल होते हैं उसको मॉइस्चराइज करता है और उसको रिस्टोर करने में बहुत हेल्प करता है. हमारे बाल में जो डैमेज स्ट्रैंड्स हो जाते हैं उसको ये रिस्टोर करने में बहुत हेल्प करता है. ये प्रोडक्ट के अंदर मैंगो एक्सट्रैक्ट है और विटामिन ए, बी सिक्स एंड सी भी है, जो कि हमारे बालों को डीप हाइड्रेशन देता है. और गाइस, ये यूज करने का हमारे बाल एकदम मॉइस्चराइज, हमारे बालों में से एकदम फ्रूटी सेंट आता है. गाइस, दिस शैम्पू कंटेन्स 95.1% ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. सो गाइस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज मैंगो पल्प कंडीशनर. गाइस, ये कंडीशनर आपके रफ हेयर को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, आपके बालों को टूटने से बचाता है और हमारे बालों की जो इलास्टिसिटी उसको ये इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है. और गाइस, ये कंडीशनर मैं इसलिए यूज करता हूं कि ये हमारे बालों में एकदम नेचुरल शाइन देता है. गाइस, दिस कंडीशनर कंटेन्स 94.5% ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. और गाइस, थर्ड स्टेप, आप ये वीक में एक या दो बार यूज कर सकते हैं. दिस इज मैंगो पल्प हेयर मास्क. गाइस, ये मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क डिलीवर करता है गुडनेस ऑफ मैंगो एक्सट्रैक्ट, मैंगो बटर, कोकोनट ऑयल एंड स्वीट आलमंड ऑयल. और इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी एंड ई भी है. और गाइस, इसको यूज करना इतना इजी, आपको सिर्फ शैम्पू से अपना हेयर वॉश करना है, टॉवल ड्राई करना है और हमारे बालों की मिड लेंथ से इसको अप्लाई करना है. फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए अपने बालों में छोड़ देना है. फिर उसके बाद कोल्ड वाटर से इसे वॉश कर लेना है. और गाइस, वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स यूज करने का वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि देयर इज नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन एंड नो आर्टिफिशियल कलर्स एडेड. प्लस गाइस, वाओ स्किन साइंस इज एन इंडियन ब्रांड और द ब्रांड बिलीव्स इन वुमन एंपावरमेंट, इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड एनिमल लव. प्लस गाइस, ऑन एवरी प्रोडक्ट देयर इज अ QR कोड व्हिच यू कैन स्कैन बाय एनी कैम स्कैनर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो या गाइस, इफ यू वांट टू बाय दिस अमेजिंग प्रोडक्ट्स बाय वाओ स्किन साइंस, यू कैन यूज माय कोड ADDO20 फॉर 20% ऑफ एट buywow.in. आप buywow ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स. सो या गाइस, अगर आपको ये अमेजिंग प्रोडक्ट्स खरीदना है, सो द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. जाओ खरीदो और एक बार ये ट्राई करके जरूर देखना, मैंगो पल्प डिफरेंट. सो गाइज, अभी मैं ना मेरा ड्रोन उड़ाया, जस्ट ऐसा उड़ा के बाहर लेके गया और ऐसी तूफानी हवा चली कि मेरा ड्रोन ना मेरे काबू में था, तो खुद के काबू में था. ऐसा इधर उधर ढोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. कसम से गाइज, मैंने कैसा कैसा करके उसको अंदर लैंड कराया. थोड़ा सा ड्रोन पे लग भी गया है, प्रोपेलर्स पे. बट गाइज, मेरा ड्रोन अगर गिर जाता ना तो मैं भी, सुन लो भाई, मैं कुछ बोल रहा हूँ. तो तू उधर बोल रहा ना, हम लोग अपने भाई सही में, अगर मेरा ड्रोन गिर जाता ना तो मैं भी साथ में कूद जाता मालूम. तो तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा मैं कूद जाऊंगा तो? नहीं, जा कूद जा. गाइज, सो इट्स 7:30 इन द इवनिंग और हम लोग यहाँ पे पहुँच के थोड़ा ड्रोन वोन शॉट्स लेने के बाद इतना थक गए थे कि हम लोग सो गए. अभी शाम में हम लोग उठे एंड गाइज, ये हॉस्टल का वाइब आप बस चेक करो. शाम में तो एकदम अलग ही वाइब चल रहा है भाई. क्या बोलते भाई, कैसा लग रहा है? मस्त वाइब है, अच्छा है ना, कुछ डिफरेंट है ना. हमेशा हम विला सब में आते रहते हैं, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट, न्यू एक्सपीरियंस. अब इसके व्लॉग से आया कि मुझे भी व्लॉग करना है. तो ऐसे ही याद कर बस. और ऋषि, वो कैफे है वहाँ पे, गाने वाने बज रहे हैं वहाँ पे, ऋषि एडिट कर रहा, आप गौर से देखेंगे तो. बाकी हम बाहर थोड़ा सा चिल कर रहे हैं. हाँ, हम बाहर थोड़ा चिल कर रहे जाएंगे, फिर मेरा वीडियो एडिट करना है. और गाइज, सरप्राइजिंगली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, यहाँ ठंड है. मैं बोला था वहाँ पे हवा चल रही है, कितनी आपको दिख रहा रहेगा, तो देखो क्या हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी है. और हम लोग इतने पतले पहने, कॉटन और लिनन. हाँ, बट मज़ा आ रही है. यानी चलो, वहाँ पे मुंबई में इतनी गर्मी हो गई थी ना यार, क्या ठंडी है, क्या ठंडी है. बट चलो, अभी थोड़ा चिल करते हैं, फिर आपको मैं बाद में मिलता हूँ थोड़ी देर में. Alright guys, so it's 7:57 in the morning, almost 8. मैं उठा था एडिटिंग करने के लिए. पूरे हॉस्टल में सब सो रहे हैं, ऋषि विशाल भी सो रहे हैं, मैं सिर्फ उठा हूँ एडिटिंग करने के लिए. देख रहे हो ग्राइंड, नींद तोड़ के ज़बरदस्ती उठना पड़ा है. बट गाइज, सीरियसली दो दिन हम लोग थे यहाँ पंचगनी में, ये हॉस्टल में, इतनी मज़ा आई है ना, क्या बोलूँ मैं आप लोग को. अभी भाई मैं फट से वीडियो एडिट करता हूँ, फिर इन लोग भी उठेंगे थोड़े टाइम में, फिर हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और शायद हम निकलेंगे यहाँ से, कहीं महाबलेश्वर साइड जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉबेरी क्रीम वो सब खाएंगे.
सो या फिर वहाँ से सीधा मुंबई। जैसे वो पीछे जो दिख रहा है वो हम लोग का हॉस्टल है। मैं थोड़ा हॉस्टल से नीचे उतर गया था, थोड़ा ये सब ऐसे रास्तों से, और ये सामने जो मेरे नज़ारा है उसके मज़े उठा रहा हूँ। सुबह सुबह कोई नहीं है, और लिटरली गाइज हम लोग अभी बादल में, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, हम लोग लिटरली बादल में खड़े हैं, हम लोग के सामने से सब बादल क्रॉस होते हैं। मच नीडेड ट्रिप थी गाइज। और करजत हम लोग गए, वहाँ पे वेदर इतना खास नहीं था, बट पंचगनी महाबलेश्वर साइड वेदर चुम्बेश्वर। ये उठो ना यार, हाँ उठो ना बाबा, तो 10 बज गए, जाना नहीं है क्या? अपने हाँ जाएंगे, कितना और टाइम? 10 देखो, अबे ठीक है चलना, उठना। उठूंगा थोड़ी देर में, नहीं जाएंगे फिर महाबलेश्वर। धमकी धमकी क्या, धमकी क्या दे रहा? कल उठा कर तू, रात में तेरे को उठाए तो? कब उठाए तुम लोग? हाँ बहुत बारी उठाए, हट जा अभी सामने से। Alright guys, so I guess that's pretty much it for today and I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा तो प्लीज लाइक कर दो, अगर नहीं अच्छा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट मत करना। अभी मैं सालों को उठाता हूँ, फिर हम लोग निकलेंगे। सांस फूल रही है, नीचे से अभी ऊपर चढ़ के आया। सो या गाइज, फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो अभी डोरेमोन लेके जा रहे सक्कर सक्कर honey that's a sticker she picture perfect so I told him I'm a flicker bill I'm in a mood for a change up I leave the city